हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप ट्वेल्थ में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के सभी छंद को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके छंद के अंतर्गत चौपाई, दोहा और सोरठा ये सब टॉपिक्स आते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको सभी छंद को एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको चौपाई, दोहा तथा सोरठा की परिभाषा और उदाहरण पढ़ाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से मात्राएं गिनना है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर, ट्वेल्थ हिंदी व्याकरण के रस छंद अलंकार पर वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो में मैं आपको छंद बताने वाला हूं, ठीक है। अगला वीडियो जो हमारा होगा उसमें मैं रस अलंकार सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोहा, फिर पढ़ेंगे सोरठा, फिर पढ़ेंगे चौपाई, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उदाहरण देखेंगे, पहले परिभाषा फिर उदाहरण, और उदाहरण में मात्राएं कैसे गिनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोहा की। देखिए, आपको कोई एक करना होगा, चाहे दोहा, चाहे सोरठा, चाहे चौपाई, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोहा। दोहा क्या होता है, देखिए परिभाषा समझिए। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि दोहा जो है ये अर्धसम मात्रिक छंद है, ठीक है। इसका मतलब अभी मैं बताऊंगा। देखिए, इसमें चार चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब कैसे समझें चरण क्या होता है, तो देखिए उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। जैसे उदाहरण है मेरी भव बाधा अरहरो। देखिए, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, राधा नागरी सोई, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई। देखिए छोटी ई है, ठीक है, राधा नागर सोई। आगे देखिए, जा तन की झाई परे। थोड़ा नीचे मैं लिखता हूं क्योंकि हमें मात्राएं भी गिनना है। तो जा तन की झाई परे, ठीक है, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूत होई, श्याम हरित दूति होई, ठीक है, दूति होई। तो ये देखिए आपका एक उदाहरण है, ठीक है, ये एक दोहा है। देखिए क्या है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सुई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूति होई, ठीक है, ये उदाहरण है। अब इसमें हम मात्राएं कैसे गिनेंगे, देखिए इसमें चरण कौन कौन से हैं। ये पहला चरण है, देखिए इस कामा के इधर का जो है ये पहला चरण, ये है दूसरा चरण, ये है तीसरा चरण और ये है चौथा चरण, ठीक है। तो दोहा में चार चरण होते हैं और इसके पहले एवं तीसरे चरण में, यानी कि ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, इसमें 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। देखिए, जैसे देखिए मेरी है तो मां पर ए का मात्रा लगा है तो इसमें दो मात्राएं होंगी। देखिए दो को हम इस प्रकार फिर नोट करेंगे, ठीक है। इसमें री रा पर मां पर बड़ी का मात्रा लगा है तो इसमें भी दो होगा। भा केवल अकेला है तो एक मात्रा होगा इसमें, इसमें भी एक होगा। बा परा का मात्रा लगा है दो होगा, धा परा का मात्रा है दो होगा, ये एक होगा, ये दो होगा। अब गिनिए कितनी मात्राएं हुई, दो, दो चार, एक पांच, एक छह, दो आठ, दो दस, एक ग्यारह, दो तेरह। तो पहले चरण में हमारी 13 मात्राएं हुई, ठीक है। अब पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, तो ये देखिए तीसरा चरण है, इसमें ये एक हो जाएगा, ये दो होगा, ये एक होगा, ये एक होगा, ये भी दो होगा। ये झा परा का मात्रा है दो होगा, ये ई है दो होगा, और ये पा अकेला है, देखिए ये एक होगा, और रे है ये दो होगा। देखिए कितनी मात्राएं हुई, दो, एक तीन, एक चार, दो छह, दो आठ, दो दस, एक ग्यारह, दो तेरह। तो देखिए पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होगी। अब दूसरे और चौथे में गिन लेते हैं। दूसरे में देखिए यहां पर दो होगा, यहां पर भी दो होगा, ना परा का मात्रा है दो होगा, गा अकेला है एक होगा। अब देखिए रा पर छोटी का मात्रा है, तो जब ये छोटी का मात्रा होगा तो यहां पर एक होगा, ठीक है। सा पर ओ का मात्रा है तो दो होगा, ये छोटी ई है, यहां पर भी एक होगा। तो यहां पर देखिए कितनी मात्राएं हैं, दो, दो चार, दो छह, एक सात, एक आठ, दो दस, एक ग्यारह। तो दूसरे चरण में हमारा 11 मात्रा आया। अब चौथे में देखते हैं, देखिए आधा सा है, ठीक है, तो इसका हम यहां पर काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट या पर का काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये दो होगा, ये मा पर छोटाऊ का छोटू सॉरी उ का मात्रा है तो यहां पर हम इसको एक ही लिखेंगे, ठीक है। अगर ये बड़ाऊ का मात्रा होता तो हम यहां पर क्या करते, दो लेते, ठीक है। हा अकेला है, एक रहेगा,
रा पर छोटी का मात्रा एक, ता पर एक, दा पर छोटा उ का मात्रा है तो एक रहेगा, ठीक है। और ती एक, यहां पर दो और यहां पर एक, तो देखिए ये कितना हुआ, दो एक तीन एक चार एक पांच एक छह एक सात एक आठ दो दस ग्यारह। तो देखिए यहां पर पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्राएं और दूसरे एवं चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं हैं, अतः ये दोहा होगा। तो समझ में आया, दोहा अर्थ सममात्रिक छंद, इसमें चार चरण होते हैं। देखिए चार चरण है, एक दो तीन चार, इसके पहले एवं तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्राएं, यानी कि पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्रा है और दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं। तो उदाहरण आपको याद करना है, मात्राएं गिनना मैंने बता दिया, ठीक है। तो मेरी भवबाधा हरो राधा नगर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूत हुई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, समझ में आ गया। अब चलिए अपना दूसरा देखते हैं, सोरठा, ठीक है। अब देखिए मैंने सोरठा क्यों लिया यहां पर, देखिए सोरठा जो है ये दोहा का ठीक उल्टा होता है। देखिए सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं सेम उसी तरह, लेकिन इसके पहले और तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं। देखिए दोहा में पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्राएं थी, यहां पर पहले एवं तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं हैं तथा दूसरे एवं चौथे चरण में तेरह तेरह मात्राएं होती है। यह दोहे का उल्टा होता है, देखिए सेम उल्टा है ये दोहे का। क्यों? क्योंकि सोरठा में क्या होता है, पहले एवं तीसरे चरण में तेरह ग्यारह ग्यारह मात्राएं हैं, दोहा में क्या था, पहले एवं तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्राएं थी और दूसरे एवं चौथे चरण में यहां पर तेरह तेरह मात्राएं हैं और दोहा में दूसरे एवं चौथे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं थी, ठीक है। तो यही सिर्फ उल्टा है, पहले एवं तीसरे चरण में सेम उल्टा है, ठीक है। तो ये दोनों दोहे का जो है उल्टा होता है। अब इसका समझते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम छोटा सा हेडिंग डालेंगे, उदाहरण, ठीक है। इसका हम लोगों ने हेडिंग डाला एक उदाहरण। अब उदाहरण में जो लिखेंगे उसको समझिए। देखिए राम स्वरूप तुम्हार, सॉरी यहां पर मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, ठीक है, बुद्धि पर। देखिए अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो आप और भी किसी दूसरे एग्जाम्पल को भी, उदाहरण को भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं आप यही लिखें, ये तो मैं समझाने के लिए आपको दिया हूं, आप इसको भी लिख सकते हैं, या आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभिगत अकथ अपार, सॉरी यहां पर थोड़ा सा कट करता हूं, अकथ अपार, ठीक है। अभिगत अकथ अपार नेति 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 नित नेत नेत नित निगम कह, ठीक है, निगम कह, ठीक है। तो ये होगा उदाहरण किसका, सोरठा का, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपली देखिए उदाहरण क्या है, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। देखिए इसको आपको याद करना होगा, आप किसी दूसरे उदाहरण को भी ले सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं, गिनती करते हैं, रा पर आ का मात्रा है दो होगा, ये एक होगा, ये एक होगा, ये रा पर बड़ाओ का मात्रा है यहाँ पर दो होगा, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर एक होगा, हा जो है आपका यहाँ पर दो होगा क्योंकि बड़ा आ का मात्रा यहाँ पर एक। तो देखिए पहले चरण में कितना हुआ, दो एक तीन एक चार दो छः एक सात एक आठ दो दस ग्यारह, तो पहले एवं तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होंगी। यहाँ पर देखते हैं ये एक, ये एक 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 दो एक, अब ये देखिए कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दो दस ग्यारह। तो देखिए पहले एवं तीसरे चरण में यहां पर ग्यारह ग्यारह मात्राएं हैं। अब दूसरे एवं चौथे चरण में देखते हैं, देखिए यहां पर एक 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 दो एक एक एक, ठीक है। अब यहां पर देखिए यहां पर दो, यहां पर एक, यहां पर एक, ठीक है। तो यहां पर देखिए कितनी मात्राएं हैं, एक दो तीन चार पांच छह, ये देखिए दो है, छह सात आठ एक नौ एक दो ग्यारह एक बारह एक तेरह। तो दूसरे एवं चौथे चरण में तेरह तेरह मात्राएं होंगी। चौथा देखते हैं, देखिए दो एक तीन दो पांच एक छह एक सात एक आठ एक नौ एक दस एक ग्यारह एक बारह एक तेरह। तो देखिए यहाँ पर पहले एवं तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं, दूसरे एवं चौथे चरण में तेरह तेरह मात्राएं होती हैं। तो ये आपका होगा सोरठा, ये दोहा का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, आपको डेफिनेशन परिभाषा और उदाहरण दोनों याद रखना है, ठीक है। तो राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लास्ट अपना देखते हैं जो कि है चौपाई, चलिए उसको पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अब आता है चौपाई,
ठीक है। चौपाई क्या होता है इसको आपको समझना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए परिभाषा, चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है। अभी मैंने आपको बताया कि जो दोहा और सोल्ठा है ये अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है, लेकिन चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसके सभी चरण में मात्राएं समान होती हैं, जबकि दोहा और चौपाई के सभी चरण में मात्राएं समान नहीं होती। पहले एवं तीसरे, दूसरे एवं चौथे की तरह होता है, और यहां पर दोहा सममात्रिक छंद है क्योंकि इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये सममात्रिक छंद क्यों है, क्योंकि इसके सभी चरण में समान मात्राएं होती हैं, इसीलिए इसका नाम सममात्रिक पड़ा, ठीक है। और जो दोहा और चौपाई है, दोहा और सोल्ठा है, इसमें अर्ध सममात्रिक है, क्योंकि इसमें पहले एवं तीसरे चरण में अलग होगा और दूसरे एवं चौथे चरण में अलग होगा, ठीक है। तो चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण हम समझते हैं, तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे उदाहरण, ठीक है। अब हमने उदाहरण हेडिंग डाला, अब चलिए यहां पर उदाहरण को लिखते हैं। तो उदाहरण है बंदव बंदव, तो चलिए इसका उदाहरण लिखते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, बंदव गुरु पद पदुम परागा, ठीक है, पदुम परागा, उसके बाद में देखिए सुरुच सुवास, सुरुच सुवास सुवास, ठीक है, सरस अनुरागा, सरस अनुरागा, ठीक है, ये हमने लिखा। अब देखिए यहां पर ये एक चरण है, ये दूसरा चरण है, ठीक है। उसके बाद में लिखते हैं अमीय मूरिमय, अमीय मूरिमय, चूरन चारु, ठीक है, चूरन चारु, समन सकल, समन सकल, भव रुज परिवारु, रुज परिवारु, ठीक है। तो ये हमारा है एक उदाहरण, ठीक है। अब इसमें हम मात्राओं को गिनते हैं। देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए बंदव, बा पर अंक की बुनती है, दो होगा, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर भी होगा एक, यहां पर भी एक, यहां पर एक, यहां पर एक, एक 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 एक, यहां पर दो, यहां पर दो। अब देखिए 16 है या नहीं है, देखिए दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह, एक सात, एक आठ, एक नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, ठीक है। तो 16 मात्राएं यहां पर हो गई पहले चरण में। दूसरे में देखिए, यहां पर एक होगा, यहां पर एक होगा, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर दो, यहां पर एक, यहां पर एक, एक एक एक, यहां पर भी एक, यहां पर दो, यहां पर दो। यहां पर देखिए कितनी मात्राएं हैं, एक दो तीन चार, दो छः, एक सात, एक आठ, एक नौ, एक दस, एक ग्यारह, एक बारह, दो चौदह, दो सोलह, ठीक है। तो पहले और दूसरे चरण में हमारा 16 मात्राएं हो गई। अब दूसरे और तीसरे और चौथे में भी 16 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक एक एक, दो एक एक एक, दो एक एक, और यहाँ पर होगा दो, और यहाँ पर होगा आपका एक, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, चार, रा पर बढ़ाओ का मात्रा, यहाँ पर भी दो होगा। अब देखिए यहाँ पर कितनी मात्राएं हैं, एक दो तीन चार पाँच, देखिए एक दो तीन, दो पाँच, एक छः, एक सात, एक आठ, दो दस, एक ग्यारह, एक बारह, दो चौदह, दो सोलह, तो इसमें भी 16 हो गए। यहाँ पर देखते हैं अब लास्ट अपना, एक एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः, एक सात, एक आठ, और ये रा पर बढ़ाओ का मात्रा है, फिर भी यहाँ पर एक होगा, ठीक है। एक एक दो, ये रुज है, देखिए ये रा पर छोटाओ का मात्रा है, जैसे यहाँ पर गुरु है तो ये रा पर छोटाओ का मात्रा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक गिना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रू है, चारू है, तो यहाँ पर बढ़ाओ का मात्रा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है, यहाँ पर पा पर एक होगा, री पर एक होगा, इस पे दो, और ये परिवारु है, तो देखिए रा पर बढ़ाओ की मात्रा है, तो यहाँ पर भी दो होगा। तो इसमें देखिए एक एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, दो चौदह, दो सोलह, तो देखिए इसमें क्या हुआ, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आई, ठीक है। तो ये होगा आपका चौपाई। तो चौपाई क्या है, एक सममात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण मैंने आपको बताया, बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुच सुवास, सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय, चूरन चारु, समन सकल, भव रुज परिवारु, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने आपको छंद में तीन
चीजें बताई, एक चौपाई दोहा सोल्टा, इसकी मैंने परिभाषा और उदाहरण भी बताया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। मात्राएं कैसे गिनते हैं, ठीक है, मात्राएं कैसे गिनते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताएं।